मॉडर्न हिस्ट्री लुसेंट का ये थ्योरी पेपर चल रहा है, जिसका ये लेक्चर नंबर कितना है, 7 है, ठीक है ना। ये पार्ट नंबर इसका 7 है, याद रखेंगे इसका पार्ट कितना है, तो 7। 6 पार्ट पहले कंप्लीट करा दिया गया है, आज इसका ये 7वां पार्ट होगा, ठीक है। कहता है फर्स्ट इसमें टाइप जो है, क्रांतिकारी आतंकवाद का तृतीय चरण, यानी हमने एक चरण कंप्लीट कर लिया, ये द्वितीय चरण है, सॉरी ये है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के अंतर्गत 1924 से 1934 तक की घटना को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना बच्चे। पिछले क्लास में हमने देखा था 1920, 1921, 1921, 1922 और 23, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था, चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बीच में ही स्थगित कर दिया गया था, और तारीख क्या था बताइए, कितना तारीख को, 10 नहीं था, हाँ 5 में 7 जोड़िए, 12 फरवरी था, ठीक है, 13। कहते 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया गया, और क्यों ले लिया गया था, चौरा चौरी कांड के कारण। 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ था, कितना फरवरी को, 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1922, याद रखेंगे 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। इसके 7 दिन बाद यानी 7, 5, 12, ठीक है ना, तो 12 तारीख को, 7 दिन बाद यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, यानी वापस ले लिया गया था, समझे। कहता है कि समाप्त कर दिए जाने के बाद और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में उत्साही युवक निराश में पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गए, है ना। देख रहा है कि अब असहयोग आंदोलन, अच्छा एक आंदोलन चल रहा था, अब लग रहा था कि भारत आजाद हो जाएगा, ठीक है। तो सारे जितने भी क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे वे शांत बैठे थे, किसी प्रकार से हिंसा वाला काम नहीं करते थे। अब देखा गया कि यहाँ पे तो हम कितनों शांत बैठे हैं, और अगर कोई आंदोलन भी नहीं चल रहा है, तो युवक लोग फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने लगे। बात समझ में आया, ये जो काम करते थे फिर से शुरू कर दिया। आइए आगे देखते हैं। कहता इस समय क्रांतिकारी आतंकवाद की दो धाराएं, एक उत्तर प्रदेश पंजाब बिहार में और दूसरी धारा बंगाल में विकसित हुई। क्रांतिकारी धारा एक उत्तर प्रदेश में, बिहार में और कहां पे, पंजाब, यानी एक हो गया पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ और एक हो गया पूर्व की तरफ बंगाल में हुई। कहता है उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, उत्तर भारत के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो पंजाब सबसे इंपॉर्टेंट जगह था उस समय क्रांतिकारी आंदोलन के लिए, जिसमें सबसे VVI जो इंपॉर्टेंट नेता थे वो लाला लाजपत राय थे, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से उत्तर भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं में सचिंद्रनाथ सन्याल, याद रखना है सारे नाम को, सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल ने एक नारा दिया था, याद है, राम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजियों के दिल में है। तो चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, ये उत्तर भारत की ओर से थे, और एक हो गया कौन, पूरा भारत की ओर जो बंगाल में। कहते क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के द्वितीय चरण में सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल, इसकी पूरा नाम क्या है, सचिंद्रनाथ सन्याल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बंदी जीवन, है ना। जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन को उत्साह करने के लिए, उसमें खून को गर्म करने के लिए ये लोग क्या करते थे, किताब लिखते थे, हर उसको पढ़वाते थे, उसको पेपर में बंटवाते थे, छपवाते थे कि उसको पढ़े और उसमें आग भर के। तो ये आती थी हिंदी लिपि में और गुरुमुखी लिपि में, ये पंजाबी लिपि में आता है, पंजाब में गुरुमुखी लिपि, अंगद के द्वारा स्टार्ट किया गया एक लिपि था जिसका नाम दिया गया गुरुमुखी लिपि, समझ में आ रहा ना। अंगद कौन थे, 10 गुरुओं में से एक थे, अरे गुरु नानक नाम सुना हुआ है,
हाँ गुरु नानक के बाद हाँ रामदास अमरदास है ना अर्जुन देव, उसी में आपको हर राय हर किसान ठीक है तेग बहादुर ये सब लोग थे। तो उसी में वो अंगद थे, उन्होंने ही गुरुमुखी लिपि चलाया था, स्क्रिप्ट है। तो बंदी जीवन हिंदी में आया क्योंकि उत्तर भारत की घटना है ना, बंदी जीवन उत्तर भारत, सचिन ना सन्यार उत्तर भारत की ओर थे पंजाब में, तो वहां की अपनी लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज रहेगा तब ना ज्यादा लोग पढ़ेंगे। अब मान लो कि बिहार में इधर वाला एरिया में इंग्लिश में पेपर आए तो कितना लोग पढ़ेगा है ना, तो उसके लिए हिंदी में प्रचार करने की जरूरत है। ने अनेक युवाओं की क्रांति के प्रति आकर्षित किया। कहता अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्थाओं है ना, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है HRA, इसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्लास 10 में भी है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना है ना किया था। कौन? चंद्रशेखर आजाद, तीनों मिलके किए थे, सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। कब किए थे? अक्टूबर 1924, याद रखोगे अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने मिल करके कानपुर में कौन सी संस्था, तो HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए, पहला में है संगठित सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर एक संघीय यानी फेडरल गणतंत्र की स्थापना किया जाए जिसे संयुक्त राज्य भारत यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाए, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के तर्ज पे भारत को भी कहा जाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। और मेन उद्देश्य था आजादी, कैसे यह आजादी कैसे था, सशस्त्र विद्रोह कर, सशस्त्र क्रांति यानी अस्त्र शस्त्र से उसको भगा करके, है ना, गांधीवादी जैसा नहीं है ना, भगा करके। तो याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके संगठन कर्ता कौन कौन थे, सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। कहता HRA की स्थापना कहाँ की गई थी, ए बच्ची यार कहाँ से इतना ध्यान से देख रही है, कानपुर, कहाँ की गई, पीछे तो बैठने हैं इसको, पांच को नहीं बैठ सकती थी। कहता आंदोलन की सफलता के लिए शस्त्र और धन एकत्रित करने के लिए राजनीतिक डकैतियों सहित राजनीतिक अपहरण यानी लूट मार घसोट ये सब सब, पैसा कहां से आवेगा, लूटोगे तब ना, अंग्रेज जलते गाड़ी को लूट लेते थे, कुछों को लूटे, बैंक को लूट लेते थे, ठीक है ना। एक मूवी आई थी 30 मार खान, आप लोग देखिएगा तो अच्छा ही लगेगा, 30 मार खान देखे कोई, क्या अक्षय कुमार की फिल्म है 30 मार खान, उसमें देखिएगा क्रांतिकारी आंदोलन के कैसे है ना, तीस मार खान है ना, लोग कहता है 30 मारे खान बनल है, 30 मार खान है ना, तुम्हें 30 मार खान समझ में आया, एक मूवी है नोट कर लो, कभी टाइम मिले तो आप इसको देखिए, समझे, 30 मार खान, हंसी भी आएगा और बैंक कैसे लूटा जाता था, ट्रेन कैसे लूट लेता था, एक दूसरे का धोखा कैसे देता था, आप इस पूरा फिल्म में ये देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से डकैतियों सहित राजनीतिक अपहरण के, कहता हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA की देश में भर में अनेक शाखाएं, अनेक संस्था इसका स्थापित करना, शाखाएं स्थापित करना इसका मेन लक्ष्य था, यानी बस कहो बंदूक के दम पर भारत को आजाद कराना, यही ना इसका मेन हुआ। आइए, कहता हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 9 अगस्त 1925 को बहुत खतरनाक काम हुआ था, देखिए, जब 8 डाउन ट्रेन का नाम है, 8 डाउन रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी 8 डाउन रेलगाड़ी सरकार से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर है, और वहां से कहां जा रहा था, लखनऊ की ओर जा रहा, तो इससे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया,
काकोरी नामक स्टेशन पर गार्ड उड़ को मारा, कुछ अंग्रेजों को मारा और सब बंदूक उन्दूक गोला बारूद था सब लूट लिया, ठीक है ना। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो कितना भीवीआई लाइन है, काकोरी कांड कब हुआ तो बताइएगा, 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ बच्चे, काकोरी कांड हुआ, लिख लिए राइट डाउन, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, है ना। कहते हैं कि जब मैं नहीं रहूं तो आप लोग इसी को लेक्चर को आप लोग दोबारा देख लो, है ना, इसी बोर्ड पर देख लो, अच्छा से आवाज वगैरह भी आएगा। तो 8 दौन जा रहा था रेलगाड़ी, कहां से जा रहा था, सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था, बीच में एक स्टेशन पड़ा जिसका नाम था काकोरी, और काकोरी में ही एक घटना हो गया, इसलिए इस घटना का नाम दे दिया गया काकोरी कांड। सरकारी खजाना लूटने के विचार आया था राम प्रसाद बिस्मिल के मन में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, किसके विचार था, किसने षड्यंत्र गढ़ा था, है ना, कि सहारनपुर से जो लखनऊ जा रही है ट्रेन है उसको लूट लो, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल को यही कहता था, अब हमारा क्या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बीपीएससी का ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। आइए, काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई, सबको चुन चुन करके फांसी दे दिया गया, गाना सुन लिया है ना। कहता है काकोरी कांड में ये षड्यंत्रकर्ता थे, रचने वाले थे, षड्यंत्र रचने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, क्या नाम है इनका, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, सब नाम याद रखना, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चार नाम है याद रखिएगा, एक नाम है क्या, राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल्ला, राम प्रसाद अल्लाह हुआ गोर अल्लाह क्या, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, 50 बार पढ़िएगा याद होगा, अरे भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड में कितने लोगों को फांसी, मतलब किन इंपॉर्टेंट लोगों को फांसी दिया, इनमें किन को फांसी नहीं दिया गया, तो इसमें आपको साथ देगा, है ना, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां। काकोरी कांड कब हुआ था बच्चे, 9 अगस्त 1925 को। ट्रेन कहां से कहां जा रही थी, सहारनपुर से लखनऊ जा रहे थे, है ना, और जगह क्या पड़ा था, काकोरी, ठीक है। कहता संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़े, यानी पहला मुसलमान जिनको फांसी का सजा दिया गया था, फांसी पर लटकाया गया था, है ना, भारत को आजादी करवाने के लिए, ये पहले व्यक्ति थे जिसका नाम क्या है, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है ना। काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी सदस्यों को गिरफ्तारी से संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया, है ना, इसको नहीं पकड़ पाया था चंद्रशेखर आजाद को, और एक अलावे सबको पकड़ लिया, अब पकड़ लिया तब बड़े बड़े कोई रहे ही नहीं, ठीक है, तब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन खत्म हो गया, उसी के जगह पर गांव आएगा। आइए देखिए, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, आज अरुण जेटली मैदान इसका नाम है ना, स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल करके, 1925 की कहानी नहीं, 28 की है, 1928 की नाम बदल दिया, ये चंद्रशेखर आजाद नाम बदले चंद्रशेखर आजाद ने, इसका नाम कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्लास 10 में है ये, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना किसने किया, चंद्रशेखर आजाद ने, और HRA का स्थापना किसने किया था, तीन को मिलकर के, चंद्रशेखर आजाद भी थे, अशफाक नहीं नहीं राम प्रसाद बिस्मिल थे, और कौन थे, सचिंद्रनाथ सन्याल थे, ठीक है। कहते 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोधी में एक प्रदर्शन में, कहता है पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज से चोट खाकर पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय शहीद हो गए, ठीक है, लाला लाजपत राय मृत्यु,
17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, है ना, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद राजगुरु लाठीचार्ज के नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश अधिकारी जो था पुलिस अधिकारी सांडर्स को गोली से भून दिया, है ना, यही मारा था लठिया से, है ना। अब एखनिये मिलके सांडर्स को हत्या कर दिया। कै तारीख को? दिसंबर 1928 में। क्वेश्चन आता बीपीएससी का, ये है ना, सांडर्स की हत्या किसने किया, सांडर्स की हत्या कब किया गया, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। बोलो बच्चे क्लियर है, ठीक है ना। इस प्रकार से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसकी स्थापना कब किया गया बताइए, 1928 में। बेटे बताइए, फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। और इसी का नाम परिवर्तित करके कर दिया, किसका नाम परिवर्तित किया गया, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। बोलो क्लियर है एकदम पूरा, कोई डाउट यहां तक के नहीं। कहता यह पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। कहता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह और बटू केशवर दत्त, भगत सिंह और बटू केशवर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में, है ना, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रहा था, उस समय बम फेंका उसका मतलब बम फेंका था, कोई मारा नहीं था, उस समय नहीं चल रहा था, लेकिन सेशन चल ही रहा था, अभी एब्सेंट था, जैसे सेशन टाइम से चलेगा ना, तो उस समय बम फेंका गया था। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा बिल पर बहस चल रही थी, कौन सा बिल को पास करना था, तो खतरनाक बिल आ रहा था, इसका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई, डिस्प्यूट मतलब दो प्रतिद्वंदी हो रहा है, ट्रेड को लेकर के व्यापार और सेफ्टी बिल पर बहस चल रहा था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका गया जिसका उद्देश्य सरकार को मारना नहीं, सरकार को डराना था। उसमें एक कागज लिखे थे और बम के साथ में उसको कागजात में उसमें लिखा होगा बहरे, है ना, सुन लो बम फेंके धमाका सिर्फ तुम्हारे कान के पर्दा सुनने, मतलब जो बंद है ना रुआ ठूस उसको खोलने के लिए, ठीक है ना, ध्यान देने के लिए। कहते केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने, यही केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंक रहे थे दिल्ली में, ठीक है ना, भगत सिंह ने तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। इकबाल, इनकलाब जिंदाबाद की रचना मोहम्मद इकबाल की है, रचना किसने किया था, मोहम्मद इकबाल, लेकिन नारा स्लोगन किसने दिया, तो भगत सिंह, है ना, नारे के रूप में पहली बार इसका भगत सिंह ने प्रयोग किया था। ये रचना किए थे इनकलाब जिंदाबाद किसने, इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, और नारा के रूप में पहली बार किसने प्रयोग किया, भगत सिंह। आइए, भगत सिंह और बटू केशवर दत्त को गिरफ्तार कर उन पर विधानमंडल में बम फेंकने कुछ षड्यंत्रों के साथ जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। और उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। किसको किसको, तीन लोग, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, डेट पूछता है, है ना, तीनों को फांसी की सजा कब दी गई थी, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत इन तीनों को फांसी की सजा दी है। देखिए कारण एगो नहीं था, वो जो लठिया से मारा था सांडर्स, जिसमें लाल लाजपत राय की मृत्यु हो गई, है ना, तब गुस्सा में तो उसी को गोलियां मारा, और बीच में उधर गोली उली उसको सांडर्स की हत्या कर दिया, ये सब मिलके। उसके अलावा क्या हो गया, केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका। अब बताइए एक आदमी और दो वो कांड, तो किस कांड से उस पर मुकदमा चलेगा, इसलिए इसका नाम दे दिया गया लाहौर षड्यंत्र कांड, समझ रहे, तो लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दिया गया, है ना। तारीख क्या रहेगा, 23 मार्च 1931, सब वीवीआई लाइन है बच्चे, इसको आपको याद करना ही करना है, है ना, सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आता है। आइए, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, कहते क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशीलन गुट और युगांतर गुट जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर से सक्रिय हुई। यह 1907-1904 में स्थापित किया गया था, याद आ रहा है अनुशीलन समिति, ठीक है ना,
उस समय दादा हरदयाल ये सब इसको किए थे संस्थापित, ठीक है ना। कहते इस समय बंगाल में हेमचंद घोष और लीला नाग ने बंगाल स्वयं सेवक संघ और अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापित किया। बंगाल स्वयं सेवक संघ की स्थापना हेमचंद घोष ने किया था। किसने किया था? हेमचंद घोष ने। इस चरण में बंगाल के नए विद्रोही संगठन में सबसे सक्रिय था चटगांव क्रांतिकारी का एक गुट था जिसके नेता थे सूर्य सेन। ये कितना बार क्वेश्चन आया था ना पिछले क्लास में, याद करो। जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ MCQ मॉडर्न हिस्ट्री का, तो सूर्य सेन का नाम से बहुत आया। सूर्य सेन का एक उपनाम है मास्टर दादा, ठीक है ना। आज जैसे खिलाड़ी को सौरभ गांगुली को कहा जाता है दादा, ठीक उसी प्रकार से इसको कहा, सूर्य सेन को कहा गया था मास्टर दा, है ना। यहाँ बिहार में सब भैया जी बोलते हैं, और तुम अगर चले जाओ यहाँ पे क्या बोलते हैं बंगाल में, तो वहां दादा बोलेगा, है ना, छोटको के दादा बोलेगा, जिसे प्यार से इधर भैया बोलते हैं ना, भैया थोड़ा सा दे दो, तो वहां दादा थोड़ा सा दे दो, ठीक है। कहते हैं बंगाल में सूर्य सेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, है ना। बंगाल में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, और सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी यानी IRA की स्थापना किए थे। तो इंपॉर्टेंट ये लाइन हो गया, है ना। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? सूर्य सेन ने। किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। आइए, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? सूर्य सेन ने। चटगांव कहाँ है? आज बांग्लादेश में है, पहले बंगाल में था, आज बांग्लादेश में चटगांव, है ना, गांव को चढ़ जाता था। कहता है पुरुष सदस्यों में अनंत सिंह अंबिका चक्रवर्ती लीकी लोकीनाथ बाउल गणेश घोष, महिला तथा महिला सदस्यों में प्रीति लता वाड़ेदर और कल्पना दत्त का नाम उल्लेखनीय है, है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, एक सूर्य सेन नाम याद रखिए काफी था, ठीक है ना। सूर्य सेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य 18 अप्रैल 1930 को चटगांव सशस्त्र पर आक्रमण करके हथियार लिया था, कब्जा कर लिया था। हथियार पूछा ना क्वेश्चन, हथियारों को कब कहां लूटा गया? तो चटगांव में लूटा गया था। कहां लूटा गया था? चटगांव में। चटगांव सशस्त्र शस्त्रागार मतलब जहां गोला बम बारूद रखा रहता है उसी को लूट लिया था, है ना। RRR मूवी देखे होंगे कुछ दिन पहले, देखे थे RRR मूवी, RRR, और RRR मूवी में इसी प्रकार से बंदूक के रखा हुआ था, उसको सब लूटा था। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है। तो इसी ढंग से ये चटगांव सर, तो वही पुराना चीजों पर फिल्म बनती है समझने के लिए। कहते इस समय 65 सदस्य क्रांतिकारी दल के समक्ष समक्ष सूर्य सेन ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा के बीच तिरंगा झंडा फहराकर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की गठन किया, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन बने, है ना। सबसे प्रमुख कौन बना? सूर्य सेन बना। छटपट आ रही है रे, कुछ देखी नहीं तो फायदा था। कहता फरवरी 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया, और मुकदमे चलने के बाद 12 जनवरी 1934 को इन्हें भी टांग दिया गया, है ना। तो इस प्रकार इनको भी फांसी दे दिया गया। कितना तारीख को? 12 जनवरी 1934 को, समझे। जो जो बढ़िया बढ़िया क्रांतिकारी नेता थे सबको टांग दिया, कहा गांधी जी को कभी नहीं टांग। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल की महिलाओं ने भागीदारी क्रांतिकारी गतिविधियों में अधिक हुई, है ना। वहां महिलाओं लोग भी भाग ले। प्रीति लता वाड़ेदर कहता है पहाड़ी तली यानी कि चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के समय मारी गई, है ना। महिला भी लूटने में काम नहीं थी, ये भी छापा मारे तो वहां पे लूट रही थी, उसने पकड़ी गई, इसको वहीं पे टपका दिया गया, ठीक है ना। कहता है कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार हुई और आजीवन कारावास की सजा दिया गया, है ना। दम लाइफ टाइम के लिए इसको जेल में डाल दिया गया। कहता दिसंबर 1931 में कोमिला की दो स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने कोमिला के जिला अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी, है ना। दो स्कूली छात्राओं ये दोनों मिलकर के, कोमिला कौन थी? अच्छा, कोमिला जिला अधिकारियों को मतलब लड़की लोग भी जो अंग्रेजी अफसर को मारने में, अब बड़ी अधिकारी जैसे आज यहाँ पे IAS होता है, DM होता है, ऐसे इतने
बड़े पद वाले जिलाधिकारी को, वही जिलाधिकारी को गोली मार करके हत्या कर, अब स्कूली छात्रा थी यानी 12 से 15 वर्ष की आयु वाले। दिसंबर 1931 में कोमिला में दो स्कूली छात्राओं शांति युद्ध हो गया, ठीक है ना, जिला गोली मार दिया। 1920 से 1930 के दशक में यानी 10 साल में चटगांव इंडिया रिपब्लिकन आर्मी में अनेक मुसलमान थे, जैसे सतार मीर अहमद, फकीर अहमद मियां, तूनो मियां, ये सभी सक्रिय थे। देखिए आज भी बांग्लादेश में अधिक से अधिक आपको मुस्लिम मिलेंगे, मुस्लिमों का वो देश है बांग्लादेश, है ना। 1920 से 30 के दशक में क्रांतिकारी दर्शन में प्रतिपादन भगवती चरण बोहरा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, भगवती चरण बोहरा ने द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब यानी बम का दर्शन नामक दस्तावेज जारी किया। भगवती चरण बोहरा ने इस चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर तैयार किया गया था, है ना, यानी कि बम का एक दस्तावेज, बम बनाने के लिए भी ये दूसरे देश विदेश घूमते थे चंद्रशेखर आजाद के साथ। भगत सिंह 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा यानी भारत नौजवान सभा की स्थापना में भाग लिया और इसके प्रथम सचिव भी बने। ये क्वेश्चन आया था नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन कहा जाता है, भगत सिंह। कहते हैं भगत सिंह अपने समय में तमाम राजनीतिक नेताओं में से सबसे पढ़े लिखे थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम क्रांतिकारियों के समक्ष क्रांतिकारी दर्शन भी रखा था, है ना, सबसे क्रांतिकारी लोग ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता है, उसको खाली बस मारपीट से मतलब है, ठीक है ना, लेकिन उसमें भी सबसे, इसलिए षड्यंत्रकारी ये लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो षड्यंत्र करना जानते हैं, है ना, वो लड़ाई में सामने सामने फेस टू फेस नहीं लड़ेंगे, वो इंटरनली लड़ाई करते हैं, क्या समझे, जैसे कि हम हैं, अगर हमें लड़ना हो ना तो सामने कभी नहीं आएंगे, है ना, इंटरनली उसको सारा चीज पे। और एक है देखिए, लड़ाई का मतलब ये होता है कि आप मान लो किसी से लड़ गए, ठीक है, और फिर कुछ दिन के बाद साथ बैठने की जरूरत पड़े तो आपको बड़ी शर्म लगे ओकरा साथ बैठे में, मान लो शादी में दोनों एक जगह मिल गए, अब बताइए बातचीत हो पाएगा, खाए में भी मन नहीं लगेगा। तो लड़ाई वैसा करो कि अगर एक जगह फिर से बैठने का मौका कभी मिल जाए तो बात शुरू हो सके, और इतना ज्यादा कुठी काट दे ना कि बार कि अगला बार जब कहीं बैठने का मौका मिले, है ना, तो बैठे नहीं वहां कूटना शुरू कर दो, तो ये लड़ाई खराब लड़ाई है। और जान जाइए लड़ाई पूरा दिन नहीं चलता है, है ना, लड़ाई का ड्यूरेशन शॉर्ट ही होता है, समझे, कोई लड़ाई लंबा नहीं चलता, उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, आपको जल्दी ही मिलना होता है, इसलिए षड्यंत्रकारी लड़ाई ही सबसे सफल रहा। गांधी जी लड़ाई नहीं करते थे, है ना, करो या मरो का नारा आम बात था, कहते थे कांग्रेस को विघटन कर दो और नहीं तो भारत को आजादी के लिए तुम लोग आहुति दो, बलिदान दो, समझ में आ रहा है, तो वो षड्यंत्रकारी विचारधारा के थे, षड्यंत्रकारी लड़ाई करता थे। और ये सब क्या है ना, कुछ ना हुआ तो चलो फांसी पर लटक गए, क्या ना, जब मरी जाओगे तो क्या बचेगा, आगे का षड्यंत्र तुम कैसे कर पाओगे, ठीक है ना बच्चे। तो भगत सिंह सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, समझ में आ रहा ना, भगत सिंह सबसे। कहते लाहौर अदालत में पेशी के समय भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति के तलवार में धारा वैचारिक पत्थर से रगड़ने से आती है, वैचारिक पत्थर मतलब, है ना, बात विचार करने से ही आप जीत सकते हो, खाली मतलब तलवार पजा करके और कितना कप मारिएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने जादे को मारा नहीं, वो तो तलवार ऐसा रखा कि बोली से आवाज से होता था, वही कह रहा है कि क्रांतिकारी में क्रांति की तलवार में धारा का वैचारिक यानी धारा धार मतलब जो तेज करते हैं ना पजाने के लिए, वो कहां से होना चाहिए, वैचारिक विचार से आना चाहिए, वही कह रहा है वैचारिक पत्थर से रगड़ने से आती है, धार ऐसे नहीं आती है एकदम चमका दीजिए और 10 कितने को मार पाइएगा, लेकिन आपके पास विचार है, अभिव्यक्ति है, तो आप कितने लोगों को आप साथ रख सकते हैं, और जब यही नहीं है तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, समय आते के साथ धीरे धीरे आपको साइड करते लोग जाएगा, ठीक है ना, तो ये होना बहुत जरूरी था, है ना, इसीलिए भगत कहता है भगत सिंह का मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से क्रांतिकारी नहीं लाया जा सकता, व्यक्तिगत प्रयास मतलब अपने अपने खाली प्रयास करो, एक सामूहिक प्रयास कीजिएगा तब क्रांतिकारी है, और नहीं तो अंग्रेज क्या ठोक देते एकागो, है ना, ऐसे आपने फिल्म में देखा होगा, एगो हीरो रहता है, अगर एक हीरो और एक विलन है
तो हीरो रहेगा अक्सर अकेले, अब विलन रहेगा इसके साथ में 25 को फंटर लोग रहते हैं, नहीं पूरा रहेगा। अब पता चलेगा एक का वो भिड़ जाता है, नहीं एक बार पिटा गया तब दूसरे को आवेगा, ऐसा होता कि नहीं? अगर ऐसा रहे एक के बाद सब आ जाए तो इसको तो आराम से धूल चढ़ा सकता है ना, समझिए इस लाइन को। कहता है भगत सिंह का मानना था कि आज तक काय नहीं है ना, जो विलन रहता ये बात को नहीं समझा यार, इस बात को उसको विलन को समझना चाहिए है ना। कौन सा बात मानना था? व्यक्तिगत प्रयास से क्रांतिकारी नहीं ला जा सकती है, व्यापक जन आंदोलन से ही जितना बड़ा भीड़ रहेगा तब आप क्रांतिकारी ला सकते हैं। दूसरे शब्दों में जनता ही जनता के लिए क्रांतिकारी कर सकती है ना, अकेले नहीं, अकेले करोगे मार के ठोक देगा, बंद कर देगा और तुम वही छटपटाते रहो। भगत सिंह का झुकाव मार्क्सवाद की ओर था, मार्क्स का प्रभाव जानते हैं रशियन मार्क्स विचारधारा उनके प्रभाव में थे। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद एक ही अर्थ है, अगर इनकलाब जिंदाबाद बोल रहा है तो भगत सिंह जिंदाबाद है, नहीं जैसे कोई चीज होता है नमक, नमक में सबसे सरदार कौन है? टाटा नमक सरदार है, नहीं समझे? जैसे पेस्ट, पेस्ट में कोलगेट सबसे अच्छा, समझ में आ रहा ना? कपड़ा, कपड़ा में सबसे अच्छा रेमंड, ठीक उसी ढंग से मोबाइल, मोबाइल में सबसे अच्छा आईफोन, तो खैर उसी प्रकार से कहा ना कि दोनों एक ही बात है। या भगत सिंह जिंदाबाद बोलिए या इनकलाब जिंदाबाद बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही है, यानी लगना चाहिए कि भगत सिंह बोल रहा है, ठीक है ना। तो इनकलाब, कोई आज तक मर के ऐसे बोला होगा इनकलाब जिंदाबाद? एक आदमी भी कहा होगा इसे, नारा दे रहा है आदम का इनकलाब जिंदाबाद, लग रहा है मर रहा है इनकलाब जिंदाबाद, उसमें ताकत आती है जब इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं, तो आती है कि नहीं आती है? तो आपको यह समझना होगा कि भगत सिंह किस प्रकार से उनमें विचारधाराएं थी। आइए अब कुछ तथ्य जो आपको याद करने होंगे। संस्था का नाम है मित्र मेला, क्या नाम है इस संस्था का नाम? मित्र मेला, ठीक है ना। एक या दो लेक्चर में आधुनिक भारत खत्म हो जाएगा, यानी अब हिस्ट्री होता रहा नहीं, अब पॉलिटी हम यहां से स्टार्ट करेंगे। इसी टाइप से बुक एक सर्च कर रहे हैं है ना, मिला भी तो उसको सर्च करके बुक का फोटो लेकर के और इसी ढंग का पॉलिटी भी करेंगे, समझे। तो संस्था का नाम मित्र मेला बीडी सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया, यानी मित्र मेला के संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर। इनका फुल फॉर्म कौन बनाएंगे? विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर है ना। इसकी स्थापना 1899, यह स्थापना जरूरत नहीं है, नासिक में हुआ था, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में हुआ था। अभिनव भारत बीडी सावरकर द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1906 में लंदन और भारत में किया गया था, कहाँ इसकी स्थापना किया गया था? लंदन और भारत में। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति 1902 में, यानी प्रथम में, 20वीं सदी के प्रथम चरण में। तो बारिंद्र घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बारिंद्र घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी, ये कलकत्ता में युगांतर, क्या है ठीक है, बारिंद्र घोष यही है, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, ये 1906 में कलकत्ता में। भारत स्वशासन समिति इंडिया हाउस, राम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये VVI है, ठीक है ना। भारत स्वशासन समिति तथा इंडिया हाउस, श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में, कहां किया गया था? लंदन में किया गया था। अंजुमाने महिवने, इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है, अजीत सैनी किया था लाहौर में। इंडिया सोसाइटी VVI है, इंडिया सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट, मैडम भीकाजी कामा, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैडम कामा, भीकाजी कामा 1906 में पेरिस में स्थापना किया था। आपने पढ़ा क्या, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका, ये सोहन सिंह भखना के द्वारा किया गया पोर्टलैंड में, और 1913 में, ये 1913 एक बार पूछा गया है। गद्दर जो युगांतर आश्रम की स्थापना सोहन सिंह भखना, और ये पूछा हुआ नहीं है, गद्दर लाला हरदयाल, गद्दर लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, 1913 सैन फ्रांसिस्को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिंद्र नाथ संदयाल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, ये सब मिल करके किए थे 1924 में कानपुर में।
और 1928 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, है ना, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद द्वारा, क्योंकि इनके समक्ष जितने भी शक्तिशाली थे सबको टांग दिया गया, है ना, ये बच गया तो यही करवा दिया। और फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, भारतीय गणतंत्र सेना IRA इंडियन गणतंत्र रिपब्लिकन और आर्मी, इसका क्या, सूर्य सेन मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, सूर्य सेन का किसके नाम से, मास्टर दा। 1930 में चटगांव बांग्लादेश में भारतीय नौजवान सभा भगत सिंह और छबिल दास और यशपाल पंजाब में 1926 में ठीक है बच्चे, अगला है लाहौर छात्र संघ सुखदेव और भगत सिंह द्वारा, लाहौर छात्र संघ सुखदेव और भगत सिंह द्वारा 1925 में पंजाब में, पंजाब कौन, दोनों भारत और पाकिस्तान दोनों वाला एरिया वाला पंजाब में, पंजाब बड़ा रीजन था। आइए अब है यहां से दूसरी बात आती है, साइमन कमीशन की कहानी। देखिए आप सबसे पहले 1909 में एक घटना घटा था बेटा, मार्ले मिंटो सुधार भारत शासन अधिनियम 1909, उसके बाद आया 1919 में क्या आया था, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919। तो ये देखिए दोनों के बीच में कितना साल का गैप, 10 साल का। तो अगला आना था 1929 में, अगला एक नियम आना था कब, 1929 में, लेकिन यहाँ ब्रिटेन में बड़ा एक घटना घट गया। ब्रिटेन में दो, जैसे हमारे यहाँ दो शक्तिशाली जो लोकतंत्र में दल है, जैसे कांग्रेस है दूसरा क्या है, भाजपा है, कभी कांग्रेस शक्तिशाली होती है कभी भाजपा, कभी भाजपा जीतता है कभी कांग्रेस जीतता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इंग्लैंड में भी ऐसा ही था, दो दल था, एक लेबर पार्टी था और एक लिबरल पार्टी था, है ना, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी। अब लिबरल पार्टी का पहले सरकार था, लेकिन उसको लग रहा था इस बार इलेक्शन में हम हार जाएंगे, और जब इस बार इलेक्शन में हार जाएंगे और आ जाएगा नया पार्टी, मतलब अगला पार्टी जो सरकार बनेगा वो लेबर पार्टी का बनेगा, और लेबर पार्टी बड़ा एकदम भारत की बहुत तरफदारी करता था, तरफदारी मतलब भारत पर बहुत अच्छा से विचार रखता था उसका, वो कहता था कि ऐसा नियम बना के भेज देगा। अब बताइए इलेक्शन होना है 1929 में, ठीक है, अब बताओ घटना क्या, यहाँ पे घटना है कि वहां सूत रही है, घरे क्या करती है, अरे रात में सर खेलते हैं। 1929 में सरकार चेंज होने वाली थी, ठीक है, तो सोचा कि वो चला जाएगा, वो सरकार क्या करेगा भारत के लिए ऐसा ऐसा हल्का हल्का कानून बना देगा जिससे कि विश्व यानी ब्रिटेन को उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका झुकाव भारत की ओर था। कहा पहला ही हम लोग नियम बना दो और पहला ही भेज दो, कहां पे, भारत में। तो ये 1928 में ही कानून बनाने आ गया, कब आ गया, एक साल पहले ही। आइए वही क्वेश्चन है, 1919 में भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष बाद एक ऐसा आयोग कमीशन यानी आयोग यानी कमीशन नियुक्त किया जाएगा जो इस बात का जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है, यानी नया नया क्या क्या रूल्स लाओगे 10 साल के बाद, 10 साल 29 में ना होता, 28 में होता क्या। आइए कहता आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन के तत्काल कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दिया गया, है ना, जो लिबरल बोले उसी को क्या बोला गया यहाँ पे, कंजर्वेटिव सरकार, ठीक है ना, तो कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पहले ही नियम को बना दिया। कहता साइमन कमीशन की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव पार्टी और जो अनुदार मतलब लिबरल, अनुदार मतलब क्या होता है, लिबरल अभी बोला ना, पहले भी बोला था, और लिबरल मतलब अनुदार होता है, अनुदार मतलब एक जो कहिएगा वो हो जाएगा। कहता है भारत सरकार, भारत सचिव लॉर्ड बिरकेन हेड के महत्वपूर्ण भूमिका थी, समझ में आया। कहता है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन कमीशन ने कुल 7 एक जांच गेट लगोगे साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे,
साइमन कमीशन में बच्चे कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको बॉयकॉट किया गया था, है ना। व्हाइट मैन कमीशन यानी व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, सब गोरे लोग थे। बताइए कानून आ रहा है भारत के लिए, कानून किसके लिए आ रहा है? भारत के लिए, है ना। भारत को आप ऐसे लिख सकते हैं, कानून किसके लिए आ रहा है? भारत के लिए। और बनाने वाला कौन है? सब अंग्रेज। तब बताइए अच्छा बात होगा, वो अपने अपने अनुसार बना देगा ना। ऐसी हुआ था संविधान, संविधान लिखने वाले एक गरीब नहीं थे, सब अमीर थे, इसलिए एक मौलिक अधिकार में डाल दिया था। क्या चीज? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार में डाल दिया कि जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में रहेगा तो बड़े बड़े जमीन कोई सरकार नहीं ले सकता, समझे। तो कानून तो अपने अनुसार से बना दिया वो लोग, ठीक उसी ढंग से यहाँ भी बताइए है भारतीयों के लिए कानून बनना, लेकिन इसमें सारे लोग क्या थे? व्हाइट थे। व्हाइट मतलब बच्चे गोरे थे, सब के सब क्या थे? गोरे थे। इसलिए इस कमीशन को क्या नाम दिया गया, याद रखिएगा, साइमन कमीशन का एक नया नाम क्या है? व्हाइट कमीशन, है ना, व्हाइट मैन कमीशन। लेडीज लोग कौन आए थे, इसलिए मैन कमीशन है। कहता दिसंबर 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन की एक भी भारतीय सदस्यों को न नियुक्त किए जाने के कारण इसका बहिष्कार किया गया, है ना। बायकॉट का नारा दिया गया, गो बैक साइमन, है ना, साइमन कमीशन वापस जाओ, लौटो, साइमन कमीशन वापस लौटो का नारा दिया गया। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए, मद्रास में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता एम के अंसारी ने की थी, इसमें साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्या समझ में आया? एक अंशु डोंट लाफ, यहां देखो बेटा, 27 दिसंबर 1927 याद रहेगा, 27 सब जितना भी अधिवेशन होता था ना कांग्रेस का अधिवेशन, गया में भी हुआ था, गया में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में, है ना, 1922 में, ओके। तो गया में 1922 में, तो सब दिसंबर में होता है, तो दिसंबर में 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, इसमें कहा गया गो बैक साइमन का नारा लगा, किसका नारा लगा, है ना, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा। तत्कालीन राजनीतिक दलों में लिबरल फेडरेशन, तेज बहादुर सप्रू, है ना, एक नेता थे तेज बहादुर सप्रू एक नेता थे जिसका नाम क्या था, तेज बहादुर सप्रू। भारतीय औद्योगिक वाणिज्य कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग आदि ने साइमन कमीशन का बहिष्कार में समर्थन किया। ये जितना भी लोग थे ना, सब अलग अलग पार्टी के लोग थे, कांग्रेस ही सब सब थे, अब जितने भी पार्टी के लोग थे सब मिलकर के साइमन कमीशन का विरोध किया और कहा कि ये साइमन कमीशन भारत में नहीं आनी चाहिए, भारत को आजादी चाहिए, अगर कुछ नियम कानून बना के भेजना है तो उसमें भारतीयों को भी इंक्लूड करना जरूरी है। लेकिन सातों के सातों सदस्य इसमें क्या थे, तो सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। कालांतर में मुस्लिम लीग के एक गुट ने मोहम्मद शफी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का समर्थन हो गया, कहा ना साइमन कमीशन ठीक है, हाँ ना, मुस्लिम लीग ऐसा ऐसा काम करता था। कुछ अन्य दल जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया उनमें प्रमुख था जस्टिस पार्टी, यूनियन पार्टी, ये सब पैसों से मिलता होगा। कहता 3 फरवरी VVI लाएंगे, ठीक है ना, इसको आप नोट करेंगे अभी नहीं बाद में। कहता 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। उस दिन पूरी बंबई में हड़ताल का आयोजन किया गया, सब जगह हड़ताल, कोई मजदूर काम करने, कोई टीचर नहीं जाएंगे, कोई काम करने के लिए नहीं जाएगा, सब जगह स्ट्राइक यानी हड़ताल कर दिया गया। और साथ ही साइमन कमीशन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। जहां जहां यह साइमन कमीशन पहुंचा वहां साइमन गो बैक का नारा लगा, इसका स्वागत किया गया। लखनऊ में खली कुज्जमा और मद्रास में टी प्रकाशम, आंध्र के श्री टी प्रकाशम, याद आ रहा है, आंध्र के श्री टी प्रकाशम और खली कुज्जमा जो लखनऊ में, इन्होंने अनोखे अंदाज में इस कमीशन का विरोध किया, ठीक है ना, गो बैक का नारा लगाया। कहता लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध करने वाली एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व करने रहे थे, है ना, गो बैक का नारा लगाया जा रहा था। कर देखिए अब आइए, तब एक बहुत बड़ी भीड़ लेके जा रहे थे और नारा लगा रहे थे साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना। तब पुलिस ने बरबर तरीके से यानी जबरन यानी जैसे तैसे पूरा मारपीट करा, इन्हें लाठियों से पीटा और कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई, किसकी, लाला लाजपत राय की, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की। कहता है मरने से पूर्व लाला लाजपत राय ने यह कहा था कि ऐतिहासिक सिद्ध हुआ मेरे शरीर पर, ये आता है नोट्स यहां से,
मेरे शरीर पर पड़े एक एक लाठी एक एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की आखिरी किल साबित होगा। ताबूत मतलब क्या होता है बच्चे, जहां कोई आदमी मरते हैं ना उसको दफनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ताबूत बोला जाता है। कि ताबूत यानी कि तुमको दफनाया जाएगा इसी ताबूत में। आज जो हमको लाठी शरीर पर लाठी से वार कर रहे हो, ये जाया नहीं जाएगा, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार होना था। तो इस प्रकार से लंदन में 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ। लंदन में कितने बार गोलमेज सम्मेलन हुआ? 3 बार, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहता है सर शिव स्वामी अय्यर ने आयोग की सिफारिश को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया। कितना खराब ये चीज है जो इसको आप रद्दी के टोकरी मतलब डस्टबिन में फेंक दो। किसको? साइमन कमीशन की जो चिट्ठी आई है ना उसको फेंक दो। यद्यपि साइमन कमीशन को भारत में कड़ी आलोचना के फिर उसके बाद 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को स्वीकार किया गया। साइमन कमीशन को तो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया, उसको स्वीकार किया गया। अब आइए नेहरू रिपोर्ट आता है, थोड़ा सा बच रहा है। नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के विरोध में बहिष्कार के पूर्व ही 1925 में भारत सचिव ने कांग्रेसी नेता के समक्ष चुनौती रखी कि वैसा संविधान बनाकर तैयार करे जिसमें से जितने लोग भारत के लोग हैं, जितने भी दल भारत के दल हैं, वो सब एक चीज को मानने को तैयार हो जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं। आइए नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट कब आया था 1928 में कहा था कि आप ऐसा एक संविधान बना, एक ऐसा नियम बना के दो जो सब लोग इसको फॉलो करें। अब जाता रहा सब फॉलो करेगा तो करेगा, लेकिन मुस्लिम तो फॉलो नहीं करेगा, है ना। और जब एक वो फॉलो नहीं करेगा तो कहेंगे ये बेकार है, वो ये बोला साइमन बढ़िया था, ठीक है ना। आइए, तो इसीलिए साइमन कमीशन लाया गया था। आइए, भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय मतलब सब दल को बुलाया। इसमें कांग्रेस पार्टी भी था, सब जितना भी पार्टी था ना, मुस्लिम था, ये सब जितने भी पार्टी थे वो सारे पार्टी को बुलाया। इस सम्मेलन में मतभेद के कोई भी कारण कहीं भी निर्णय नहीं आ गया, है ना। मतभेद हो गया आपसे में, लड़ गए सब, अलग अलग दल वाले नहीं लड़ेंगे, है ना, हिंदू और मुसलमान सब आपस में, है ना, सब दल मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी आपस में लड़े। कहता मई 19 बंबई में आयोजित दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई, जिसे भारत संविधान के सिद्धांत का निर्धारण करना था कि हमारा संविधान कैसा होगा। और धीरे धीरे इसी प्रकार से संविधान लिखाने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, है ना। कहता है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित 4 सदस्यों में कौन कौन थे? तो 4 सदस्यों में तेज बहादुर सप्रू, है ना, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम एस आगे, कहता है सुएब कुरैसी, जी आर प्रधान, सर अली इमाम और मंगल सिंह, मंगल पांडा नहीं, मंगल सिंह। मंगल पांडे तो कब के टपक गए थे, वो 1857 की क्रांति में, है ना। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहां भी 27 अगस्त 1927 था, 27 दिसंबर था, और यहाँ है 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तब पूछेगा नेहरू रिपोर्ट अपनी प्रस्तुति कब दी? 28 अगस्त 1928 को, अधिकतर काम भारत में अगस्त में हुआ है, नहीं। कहता है क्या क्या था इसमें, रिपोर्ट में क्या था? तो पहला एक में कहता भारत को डोमिनियन स्टेट का अधिराज्य दिया जाए, है ना। अब डोमिनियन स्टेट मतलब यहाँ पे जो सारा काम यहाँ मुख्यमंत्री सब बनना चाहिए, है ना, और बाद में कहा गया डोमिनियन स्टेट हटाओ, पूर्ण स्वराज चाहिए, समझ में आ रहा है। अंग्रेज कहते थे बाद में कि डोमिनियन स्टेट देंगे, और भारतीय कहते थे कि आप डोमिनियन नहीं चाहिए, आप तो पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी आप आजादी चाहिए। तो स्टार्टिंग में डोमिनियन स्टेट मांगा गया, जिसमें अंग्रेज और भारतीय दोनों मिलकर के साम्राज्य चलाएंगे। कहता भारत एक संघ होगा, भारत एक यूनियन होगा, जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल होगा। द्विसदन हमारा भी द्विसदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो उसी प्रकार मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी जो भी काम करेगा वो मंत्रिमंडल करेगा। आज भी मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी है। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया का होगा, यानी जो संवैधानिक, अब गवर्नर जनरल आप अपना मन से काम नहीं करेगा,
है ना, जो मुखिया कहेगा, जो संविधान में लिखा रहेगा संविधान में, वही देख के गवर्नर जनरल कर सकता है। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। जो पृथक मुसलमान अलग से मांगे थे 1909 में, याद आ रहा है 1909 में मांगे थे ना, वो अलग, अब कोई पृथक निर्वाचन की बात नहीं करेगा। कहता है नागरिकता की परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया। आइए, जब ऐसा हुआ कांग्रेस का जब आया क्या आया, कांग्रेस के द्वारा जो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया, तो अलीन जिन्ना ने भी एक 14 सूत्री मांग रख दिया, यानी 14 पॉइंट पर बात विचार करने का, 14 को डिमांड करने का। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा नहीं दिए जाने के कारण नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार कर दिया। अभी बताए थे ना 1909 में दे दिया गया था और 1919 में इसको बढ़ाया जाना था, लेकिन इस बार कहा कि नेहरू रिपोर्ट जो बनाया 1928 में जो तैयार किया गया उसमें कहा कि नहीं, यानी मुसलमानों के लिए जो स्पेशल पृथकीकरण, पृथकीकरण मतलब अलग अलग इलेक्शन की जो बात है, अलग इलेक्शन नहीं करवाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके चलते कहा कि नेहरू रिपोर्ट बेकार है। कौन कहा, अली जिन्ना। 1929 में मुसलमानों के मांग एक 14 सूत्री मांग को प्रस्तुत किया गया, जिन्हें जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला कहा जाता है। अब ये 14 सूत्री कहा है, देखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, 14 सूत्री मांग खत्म, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1919 में कांग्रेस का लाहौर में, यानी लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक के जितना पढ़ा प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट यही था, लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, लिख दे बच्चे क्या लिखेगा, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, लाहौर लाइट वॉच कोई जला वाला नहीं कहा था यार, क्या हा? सब तो ये चलते गड़वाता है, हाँ? सब तो ही बिगाड़ी है, हाँ? करिया कौन किया, हो गया बच्चे लाहौर अभी दिख रहा नहीं, गुड़ होंगे कि बताइए, समझ में आया। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए। कहते इस अधिवेशन के पारित कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा गया, नेहरू समिति ने रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया। अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य अब डोमिनियन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्ण स्वराज, है ना। पहले कहता था कि भारतीय और अंग्रेज दोनों मिलकर के साम्राज्य को संभालेंगे, लेकिन अब कहा नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसी में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहाँ पे क्या होता है, द एंड। समझे बच्चे, ठीक है, तो आप लोग घर जाइए।